नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कोरोना की तीसरी लहर अब कमजोर होने लगी है, लेकिन मौत का आंकड़ा अब भी डराने वाला है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 67,597 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1188 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई है। कल के मुकाबले आज 19.4% कम मामले मिले हैं। भारत में कोरोना से ठीक होने की दर 96% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से दो दिन पहले लखनऊ में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष के लिए वोट मांगा। मंगलवार को अखिलेश के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा के लिए वोट की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में योगी आएगा तो आपको खा जाएगा। ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों से भी एकजुट होकर सपा के लिए वोट करने की अपील की। पिछले एक साल में महंगाई की पिच पर खाद्य तेलों से लेकर के आटा, दाल, दूध, चीनी, चाय और यहां तक कि नमक ने भी शानदार बैटिंग की है। इसके रेट्स ही इतने तकड़े थे कि आम आदमी के हाथ से किचन का बजट ही फिसल गया। सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को बोल्ड करने में नाकामयाब रही। महंगाई के मोर्चे पर भले ही पिछले दो महीने से थोड़ी राहत मिली हो और पिछले साल की तुलना में इसकी आग बुझने के बजाय और ज्यादा भड़क गई है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2019 काफी खराब रहा था, जिसके बाद उनसे कहा गया था कि क्रिकेट छोड़ो और जाओ अपने पिता के साथ ऑटो चलाओ। सिराज इन कमेंट्स के बाद क्रिकेट में अपने करियर को लेकर काफी चिंता में पड़े थे और उन्होंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया था कि वो फिर से क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। सिराज ने बताया कि ऐसी परिस्थिति में महेंद्र सिंह धोनी की बातों ने उन्हें काफी सहारा दिया था। सिराज ने 2019 आईपीएल में करीब 10 की इकोनॉमी रेट से रन खर्चे थे और 9 मैचों में महज 7 विकेट लिए थे। बीजिंग से इस्लामाबाद लौटने के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान 50 JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान खरीदने के अंतिम चरण में है। पाकिस्तान सरकार JF-17 को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। इसे S-400 के समकक्ष बताया जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह JF-17 S-400 के बहुत दूर दूर तक भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम से मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। भाजपा के संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मंगलवार को इसे जारी किया गया। अक्षय कुमार लगभग अपनी हर फिल्म का प्रमोशन करने कपिल शर्मा के शो पे जरूर आते हैं। इसी बीच बीते दिन दोनों के बीच मनमुटाव की खबर आई थी और कहा गया कि बच्चन पांडे के प्रमोशन के लिए अक्षय कपिल के शो में नहीं जाएंगे। कपिल शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, प्यारे दोस्तों, अक्षय पाजी और मेरे बारे में मीडिया में आ रही खबरों को मैंने पढ़ा। मैंने अभी पाजी से बात की है और इस पूरे मामले को सुलझा लिया है। ये बस एक गलतफहमी थी, सब ठीक है और जल्द ही हम मिलेंगे और बच्चन पांडे के एपिसोड की शूटिंग शुरू करेंगे। वो मेरे बड़े भाई हैं और मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकते। धन्यवाद। कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर उठे विवाद के बीच अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शिमोगा के कॉलेज में एक लड़के को पोल पर चढ़ते और भगवा झंडा फहराते हुए दिखाई जा रहा है। छात्र ने कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज को हटाकर भगवा झंडा लगा दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छात्र ऊपर भगवा झंडा लगा रहा है तो बाकी छात्र नीचे जयकार करते दिख रहे हैं। वहीं जमा हुए अधिकांश छात्र भगवा झंडे या स्टॉल को लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाए रखने के लिए गोवा को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से गोवा को सालों तक शाही शासन में रहना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी सांसद और विधानसभा चुनाव लड़ रहे आजम खान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान के चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत देने की गुहार वाली याचिका खारिज कर दी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने सोमवार को मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए नए मानक आदेश जारी कर दिया है। पीआईबी ने अपने आदेश में कहा है कि अगर कोई भी पत्रकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है या एकता अखंडता के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसकी मान्यता वापस ले ली जाएगी। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई भी राष्ट्र की सुरक्षा, मित्र देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना मानहानि के लिए उकसाने का काम करता है तो उसकी सरकारी मान्यता ले ली जाएगी। महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर एक बार फिर से पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप लगा है। इस मामले में 3 जेल अधिकारियों को पहले ही दूसरी जेल में स्थानांतरित किया जा चुका है, लेकिन अब सुकेश की भी सेल बदल दी गई है। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश को दूसरी सेल में स्थानांतरित किया गया है। जेल प्रशासन के मुताबिक उसे जेल नंबर 4 से जेल नंबर 1 की सेल में भेजा गया है।
कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर विवाद जारी है। वहीं दुनिया में कई ऐसे देश है जहां हिजाब पहनने या पूरा चेहरा ढकने पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। यूरोपीय देश सुरक्षा कारणों का हवाला देकर रोक लगाने में सबसे आगे है। कुछ मुस्लिम बहुल देश भी इस श्रेणी में शामिल है। फ्रांस खेलों के दौरान हिजाब पहनने पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी पारा भी चढ़ते जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को टारगेट करने में एक भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही है। सोमवार की रात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। वहीं केजरीवाल भी भला कहां शांत रहने वाले थे, उन्होंने भी सीएम योगी के ट्वीट का भरपूर जवाब दिया। एक तरफ सीएम योगी ने सुनो केजरीवाल कहा तो दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम ने भी सुनो योगी करके ट्वीट किया। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चुनाब ब्रिज का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की कगार पर है। इस ब्रिज का निर्माण जम्मू कश्मीर चुनाब नदी पर किया जा रहा है। सोमवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक तस्वीर शेयर की है। केंद्रीय मंत्री ने तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बादलों के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क चुनाब ब्रिज। इस ब्रिज की ऊंचाई इतनी है कि बादल उसके नीचे आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 14 फरवरी से हफ्ते में दो दिन यानी कि बुधवार और गुरुवार को फिजिकल हायरिंग शुरू करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के गिरते मामलों के बाद लिया। सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि फिजिकल हायरिंग का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जजों की समिति के परामर्श से लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एधनोम गेब्रेसस ने कहा है कि दुनिया भर में वायरस के प्रसार की गति धीमी होने के बावजूद भी कोविड का असर दशकों तक महसूस किया जाएगा। WHO प्रमुख ने कहा कि कोरोना का प्रभाव सबसे कमजोर समूहों के बीच महसूस किया जाएगा और महामारी जितनी देर तक चलेगी प्रभाव उतना ही बुरा होगा। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि कोविड महामारी का प्रभाव दशकों तक महसूस किया जा सकता है, विशेष रूप से सबसे कमजोर समूह के बीच में। महामारी जितनी लंबी चलेगी उतने ही बुरे प्रभाव होंगे। देश में बने 100 नए सैनिक स्कूल में दाखिला पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग प्रदान करने के लिए एक स्वचालित प्रणाली विकसित की जा रही है। ये ई काउंसलिंग प्रणाली कम खर्चीली होने के साथ ही स्कूलों और विद्यार्थियों के लिए इस्तेमाल भी आसान होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के साथ साथ सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के लिए हानिकारक तरीके से काम करने वाले पत्रकार अपनी सरकारी मान्यता खो देंगे। सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस 2022 में ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले पत्रकारों की मान्यता के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल न्यूज एग्रीगेटर्स को मान्यता देने के मुद्दे पर विचार नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर सोमवार शाम से चर्चाओं में हैं। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से नेता की तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीरें बिना किसी शीर्षक के शेयर की गई है, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। तस्वीर पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है। यूजर को समझ नहीं आ रहा कि इन पोस्ट के पीछे कांग्रेस का उद्देश्य क्या है। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम करवट लेने वाला है। राजधानी के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग IMD के मुताबिक मंगलवार की सुबह कोहरा और उसके बाद दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है, जहां पर रात को हल्की बारिश होने के आसार है। वहीं बुधवार को 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। केंद्र सरकार अब मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट की तरह ही ड्रोन के प्रयोग को भी आधुनिक जीवन का एक अंग बनाने की कोशिश कर रही है। ड्रोन के उपयोग को मिशन की तरह बढ़ावा दिया जाएगा, कुछ वैसे ही जैसे जल शक्ति मिशन के तरह घर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। जाहिर है देश में ड्रोन का इस्तेमाल अब सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इंडस्ट्री से लेकर आपदा प्रबंधन में इसका प्रयोग किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल जवान से लेकर किसान तक करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रवासी मजदूरों को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए पीएम मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि क्या पीएम ये चाहते थे कि जब मजदूर अपने घर वापस लौट रहे थे तो उन्हें असहाय छोड़ दिया जाता। बता दें कि प्रधानमंत्री ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि कांग्रेस ने कोरोना महामारी के दौरान मुंबई के मजदूरों को मुफ्त ट्रेन की टिकट दी, जिस कारण बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में पहुंचे। इस वजह से पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को नीट पीजी 2022 परीक्षा और इंटर्नशिप की समय सीमा में बदलाव संबंधी याचिका पर सुनवाई करता देखा गया। बता दें कि इस मामले में 4 फरवरी से सुनवाई चल रही है। इनमें दो मामलों को लेकर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पहला, परीक्षा तारीख टकराव की वजह से परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, और दूसरा मामला इंटर्नशिप की समय सीमा में बदलाव से जुड़ा है। श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु के 16 मछुआरों को पकड़ लिया है। क्यू ब्रांच पुलिस के मुताबिक सोमवार मंगलवार को मध्यरात्रि 2 बजे रामेश्वरम के 2 मछुआरों और 3 नाव को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़ लिया गया है।
देश में हर साल 3 लाख लोग लापता होते हैं, जिनमें से हजारों लोगों की जान चली जाती है और स्वजन उनकी तलाश में भटकते रहते हैं। इसी के मद्देनजर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का फॉरेंसिक विभाग देश में पहली बार लावारिस शवों का डीएनए प्रोफाइलिंग कर डेटाबेस तैयार करने की पहल कर रहा है। पायलट परियोजना के तौर पर एम्स के डॉक्टरों ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिल्ली के 412 लावारिस शवों की डीएनए प्रोफाइलिंग कर इसे एक खास ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अन्य के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया। समाचार एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को दाऊद इब्राहिम के खिलाफ गहन छानबीन शुरू करने को मंजूरी दे दी है। भारत की दवा महानियंत्रक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को परीक्षण और विश्लेषण के लिए कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन बनाने की अनुमति दे दी है। TGCI की तरफ से इस संबंध में 4 फरवरी को आदेश जारी कर दिया गया है। सीरम के सरकार और नियामक मामलों के निदेशक प्रकाश सिंह ने इसके लिए 6 जनवरी को DGCI के पास आवेदन किया था। सीरम अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स इंक के साथ मिलकर इस वैक्सीन पर काम कर रही है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकारी हिस्सेदारी बेचने के फैसले की CBI जांच कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को रद्द करने की मांग को लेकर दायर अपनी याचिका वापस ले ली है। सरकार ने कहा है कि निर्देश वापस लेने की याचिका दायर करने के लिए CBI की तरफ से जो आधार दिए गए थे वो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। संसद में बजट सत्र के 7वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने अपने शब्दों से कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने राज्यसभा में कहा, अगर महात्मा गांधी के इच्छानुसार कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी का कलंक ना होता, सिखों का नरसंहार ना होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। लोकतंत्र और बहस भारत में सदियों से चल रहा है और कांग्रेस की परेशानी यह है कि परिवारवाद के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जो यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अमृता प्रीतम, हिमांशु राज, धीरज कुमार, मोहम्मद शाहनवाज, संजय एच शाह, जितेंद्र कुमार, नुन्नू कुमार, सैफ रूबी, जितेंद्र ठाकुर, सनी यादव, अरमान रोस्टर, रोहित कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में कम हुए ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए क्या केंद्र सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।